लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोटो एज 50 फ्यूजन 5G स्मार्टफोन के बारे में बताया था कि क्या कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और मेरा खुद का ओपिनियन भी वहां पर शेयर किया था, और हमने ये कहा था कि हम इसकी भी एक कंपैरिजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप बता देना आप कौन से स्मार्टफोन के साथ इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहते हो। तो कुछ दोस्तों ने रिकमेंड किया कि इस स्मार्टफोन का कंपेयर करो मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन से, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करो तो वो लगभग मिलती जुलती ही हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपकी डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना है तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों ही स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस सेम ही होने वाली है, 1-2 हजार का, मतलब 2 हजार के अराउंड इसका कुछ समथिंग आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुछ कुछ यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने मिलता है। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के स्पेक से, और स्पेक से शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले इनके लुक एंड डिजाइन से यहाँ पर शुरुआत करूंगा। शुरुआत करता हूँ मोटो एज 50 फ्यूजन 5G स्मार्टफोन से, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर रियर साइड में आपको वीगन लेदर देखने मिल जाएगा। 50 प्रो की तरह यहाँ पर भी आपको दो वेरियंट देखने मिलेंगे, जिसमें कुछ में वीगन लेदर देखने मिलेगा तो कुछ में आपको जो है प्लेन सरफेस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पर कर्व्ड एजेस वाली डिस्प्ले होने वाली है, और यहाँ पर बेजल्स होंगे काफी हद तक कम होंगे। डिस्प्ले होगी दोस्तों पीओएलईडी डिस्प्ले आपको देखने मिल जाएगी, 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने जाएगा, एंड यहाँ पर 1600 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, एंड IP68 की यहाँ पर रेटिंग आपको देखने मिलने वाली है। डिस्प्ले के जो कलर्स आपको देखने मिलेंगे वो काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, डिस्प्ले में व्यूज एंगल है वो भी काफी अच्छे हैं, जो आउटडोर विजिबिलिटी आपको देखने मिलती है वो भी यहाँ पर काफी अच्छी देखने मिल जाएगी। यानी ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले की बात हूँ या हैंड्स ऑन फील की बात हूँ वो आपको दोस्तों काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन की बात करूँ तो यहाँ पर बैक में वीगन लेदर देखने को मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था दो मॉडल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक में वीगन लेदर देखने लेगा तो एक में प्लेन सरफेस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड में आता हूं यहां पर भी मिड पंचोल डिस्प्ले देखने जाती है, कर्व्ड एजेस वाली डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट एंड पीओएलईडी डिस्प्ले यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो IP68 की रेटिंग मिलती है, एंड ब्राइटनेस की बात करूँ तो 2000 nits तक की हमें पीक ब्राइटनेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं दोस्तों इसके भी बैजेस की बात करूँ तो काफी हद तक कम देखने को जाते हैं, यानी अच्छा खासा स्क्रीन टू बॉडी रेशो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले दोस्तों हमें काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। डिजाइन बताना आपको कौन से स्मार्टफोन का पसंद आया, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, देखो कलर्स वाइज बात करता हूं तो दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले लगभग सेम ही देखने को मिल जाती है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलता, और लुकिंग वाइज भी सेम ही देखने मिलती है। लेकिन दोस्तों रियली मैं बात करूं या आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो वहां पर कुछ हद तक मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन की डिस्प्ले है थोड़ी ही बेटर परफॉर्म हमें करती हुई देखने जाती है। आउटडोर में थोड़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने मिल जाएगी मोटो की, एंड थोड़े कलर्स भी यहाँ पर अच्छे देखने मिल जाते हैं, तो नो डाउट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मोटो एज 50 प्रो यहाँ पर विन हो जाता है डिस्प्ले के मामले में। अभी बात करते हैं दोस्तों कैमरा की बात करता हूँ तो मोटो एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा के साथ देखने जाता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है एंड सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा वहां पर सोनी का LYT 700 सेंसर यूज किया गया है, एंड 4K वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। एंड दूसरी तो मोटो एज 50 प्रो की बात को तो यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 10 मेगापिक्सल, थर्ड है 13 मेगापिक्सल का, 4K वीडियो यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल जाती है, और यहाँ पर सेल्फी में भी आपको जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मोटो एज 50 प्रो में कोई भी सेंसर के बारे में बताया नहीं गया कि यहाँ पर मैं कौन सा सेंसर देखने मिलता है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपको कुछ कैमरा सैंपल्स यहाँ पर दिखाना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन के, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा हाँ अंदाजा हो जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन में हमें यहाँ पर अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने मिलती है। तो आप हमारे डिस्प्ले पर भी दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल्स देख सकते हो, और यहाँ पर अगर आप इसके कैमरा सैंपल्स देखोगे ना तो आपको इजिली पता चल जाएगा। बेसिक दोस्तों यहाँ पर मोटो एज 50 प्रो में यहाँ पर सोनी के लेंसेज वगैरह नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर मैं क्वालिटी की बात करता हूँ, चाहे दोस्तों डे लाइट की बात करूं या लो लाइट की बात करूं, दोनों ही कंडीशन में मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन है ना, उसका कैमरा थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। चाहे दोस्तों मैं रियर कैमरा की बात करता हूँ या बात करता हूँ सेल्फी कैमरा की या मैं बात करता हूँ वीडियो क्वालिटी की, दोनों ही चीजों में मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन का कैमरा थोड़ा अच्छा लगा। देखो यार मुझे तो पर्सनली मोटो एज 50 प्रो का कैमरा अच्छा लगा, आपको कौन से स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा लगा
आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फाइनली दोस्तों अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप की। परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो मोटो एज 50 फ्यूजन हमें देखने को मिलता है स्नैपडील के 7S Gen 2 चिपसेट के साथ, एंड्रॉइड 14 के साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है। एंड दूसरी तरफ इसके स्टोरेज टाइप की बात करूं तो UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप हमें यहां पर देखने को मिल जाती है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन की तो यहां पर अगेन जो है स्नैपड्रैगन का ही चिपसेट हमें यहां पर देखने जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 चिपसेट हमें देखने मिलता है। एंड्रॉइड 14 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, सेम UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप के साथ आता है, यानी स्टोरेज टाइप यानी ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह लगभग सेम ही देख लेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ गेमिंग की परफॉर्मेंस की तो नो डाउट मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन यहां पर विन होता है, क्योंकि अगर मैं आपको दोनों स्मार्टफोन के साइड बाय साइड एंटीटू बेंचमार्क स्कोर भी दिखाऊं ना, अप्रोक्स 2.5 से 3 लाख का आपको फर्क देखने जाएगा। और ये फर्क दोस्तों नंबर्स वाइज ही नहीं, आप अगर ग्राफिक्स वगैरह देखोगे तो वहां पर भी आपको इजीली देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट यहां पर अगर मैं पबजी की बात करूं, कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूं या ओवरऑल गेमिंग की बात करूं कि कौन से स्मार्टफोन में अच्छी होगी, तो मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन में थोड़ी ही बेटर गेमिंग आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट में फाइनल दोस्तों बात करता हूं बैटरी बैकअप की, और बैटरी बैकअप की बात करूं तो सबसे पहले मैं चार्जिंग स्पीड बता देता हूं। जो मोटो एज 50 फ्यूजन है ना, यहां पर 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने मिलता है एंड 5000 mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने जाता है। जबकि बात करता हूं मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन की तो यहां पर 4500 mAh की बैटरी का सपोर्ट देखने जाता है, बैटरी देखने मिलती है एंड 125 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने जाता है। देखो कहने को 500 mAh कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मे भी हो सकता है यहां पर चार्जिंग में बैटरी बैकअप में आपको डिफरेंस देखने जाए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर चार्जिंग स्पीड की, नो डाउट मोटो एज 50 प्रो में वो आपको यहां पर अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के सारे स्पेक्स जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कौन से स्मार्टफोन में कैसे स्पेक्स आपको देखने मिलते हैं, कौन सा स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन में से बेस्ट है। देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दोनों स्मार्टफोन वैसे तो हमें देखने को मिल जाते हैं अच्छे देखने को जाते हैं स्पेक्स वाइज, लेकिन फिर भी अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना हो या चूज करना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोटो एज 50 प्रो 5G स्मार्टफोन। वो हमें थोड़ा अच्छा देखने जाता है, चाहे कैमरा की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, या वीडियो क्वालिटी की बात करूं, या डिस्प्ले की बात करूं। बाकी आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।